फिर से स्वागत करते हैं। मैं अनिल कुमार यादव, सूरज, भाग 4, तीन सदिशों का गुणन, प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। जैसा कि भाग 4 पे आप पहुंच चुके हैं, इसके पहले बहुत सारे वीडियोस देख चुके हैं आप हमारे, यदि नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि हर हर एक चैप्टर को, हर एक प्रोसेस को मैं अच्छे तरीके से समझाता हूँ, और आप हर एक क्वेश्चन को समझने के लिए हमारे पीछे के क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए, फिर यहाँ पे समझ लीजिए। चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। यदि यही पहला आपका पहला वीडियो यही हमारा है तो आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि पहले भी वीडियो देख चुके हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन बताना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उस समांतर षटफलन फलक का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं ए बी सी तीनों का मान दिया गया है, उसका आयतन ज्ञात करना है। तो देखिए आयतन क्या होता है, आयतन आयतन हमारा होता है ए बी सी, मतलब तीनों का मल्टीप्लीकेशन, ए बी सी तीनों का मल्टीप्लीकेशन करेगा वो हमारा आयतन निकल जाएगा। तो चलिए इसको क्या करते हैं, ए बी सी और उसका मान दिया रहेगा, तो सबसे पहली चीज करते हैं इसको सारणी के रूप में लिखते हैं। चलिए लिख लेते हैं, ये हमारा सारणी बन गया आव्यूह के रूप में। ए की गुणांक 1-1, 1 ए का इसमें लिखते हैं, बी का इसमें लिखते हैं, सी का इसमें लिखते हैं, 1-1, 1 बी का 1-3, 4 1-3, 4 2-5, 3 2-5, 3 ये तो हमने सभी का गुणांक लिख लिया। देख लीजिए ये ए का है, ये बी का है, ये सी का गुणांक है। ठीक, अब करने के बाद हमें क्या करना है, आव्यूह रूप से निकाल लेना है। पहले 1 को कॉमन करेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन 3×3=9 और ये प्लस हो जाएगा 5×20, फिर इसको कॉमन लेंगे प्लस 1 हो जाएगा, ये छोड़ देंगे 3×3 = 4×2=8 3-8 ये हो गया, या 4×2=8 -3 भी कर सकते हैं। उसके बाद प्लस 1 लेते हैं, प्लस 1 तो -5 और प्लस 3×6। चलिए कैलकुलेशन करते हैं तो इसको घटा देंगे तो आ जाएगा आपका, ये घटा लेते हैं 11 और ये -5 तो हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा 1×1 प्लस 1 = 2, ये जोड़ घटा लेते हैं आपका आ जाएगा टोटल 7 इकाई। यहाँ पे मात्रक लिखना जरूर, क्योंकि ये आयतन है, आयतन का अगर कुछ भी नहीं पता है तो इकाई लिख के छोड़ सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बता देते हैं, समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, उस समांतर षटफलक का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा तीनों दिया गया है। सेम वही क्वेश्चन है, क्या करना है, एबीसी ले लेते हैं। एबीसी ये क्या है, एबीसी आयतन है, तो लिख लेंगे आयतन, किसका आयतन वो भी आप लिख सकते हैं, समांतर षटफलक का आयतन। ये गलत हो गया, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे बना लेते हैं। ए का है 2×1-1 2×1-1 1×2=3 1×2=3 -3 -1 1 ये हमने बना लिया अभ्यूह के रूप में। अब इसको हल करना है, पहले 2 लेंगे, 1×2=2 और ये हो जाएगा प्लस 3। अब इसको लेते हैं -1 को, ये छोड़ देते हैं तो 1×1 और प्लस 3×3=9 इसको लेते हैं -1 को, ये छोड़ेंगे आपका तो -1 और प्लस 6 -1 + 6 कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर कैलकुलेट करते हैं तो आपका आ जाएगा 3×5=6 9×10 ये आ जाएगा आपका 5 इकाई, ये आ गया 5 इकाई, इसको कैलकुलेट आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसी समांतर षटफलक का आयतन की जिसकी भुजाएं ए बी सी तीनों के भुजाएं दिया गया है तथा ये इकाई क्या है, आयतन, टोटल आयतन दिया गया है, तो लेमडा का मान बताइए। देखिए हमारा फॉर्मूला है ए बी सी मतलब आयतन, आयतन बराबर यहाँ पे आव्यूह के रूप में ए वन बी वन ए वन
ए टू ए थ्री ये रहता है तो उसका मतलब गुणांक होता है। चलिए गुणांक डायरेक्ट लिख लेते हैं। आई क्या है माइनस 12, जे नहीं है जीरो करेंगे, के हमारा है लेमडा, बी में आई नहीं है जीरो, जे हमारा 3 है, के हमारा -1, इसमें 2 1 -15, 2 1 -15 ये हो गया। लेकिन यहाँ पे हमें मान दिया है 546, तो यहाँ पे लिखेंगे 546 के बराबर। पहले को 1 -1 कॉमन करेंगे, ये हो गया, सॉरी यहाँ पे -1 नहीं है, 12 है, ये 12 है, इसको कॉमन करेंगे, इसका गुणा करेंगे, 15 3 45, अब ये हो गया +1। अब जीरो को लेते हैं तो ये सारा का सारा जीरो हो जाएगा, चलिए ले लेते हैं -0, ये हो जाएगा -15 और +2 = 2, ये तो हो जाएगा जीरो, छोड़ दीजिए। अब इसको लेते हैं +λ, ये तो 0 = 0 और 2 3 = 6, तो ले लेंगे -6, जीरो छोड़ देंगे -6। अब 546 बराबर इसको जोड़ेंगे तो -44 का गुणा -12 में कर लेते हैं, तो -44 गुणे -12 इज इक्वल टू 528, तो इसका गुणा हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 528। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका ये तो हो गया 528, ये जीरो और ये -6λ, इसको इससे घटा देंगे तो 546 माइनस 528 इज इक्वल टू -6λ, ये हो गया। इसको घटाते हैं और 6 से भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 से भाग दे भी देना है तो लेमडा इज इक्वल टू -3, ये हो गया, लेमडा के इज इक्वल टू -3, इतना माना गया, जो हमें मान निकालना था लेमडा को वो मान मिल चुका है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 8 रहेगा, ये 8 है, सॉरी गलती हो गया, कोई बात नहीं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, लेमडा का मान ज्ञात कीजिए, सदिश ये तीनों दिया गया है वो एक समतलीय है, समतलीय मतलब आयतन हमारा इक्वल टू 0 के होना चाहिए, चलिए उसको कर लेते हैं क्या है, तो चलिए हल करते हैं। ए बी सी आयतन निकालेंगे तो ए बी सी ये वेक्टर लगा देते हैं, इसका आयतन निकालने के लिए हमें क्या करना है, देखिए हमने यहाँ पे अवयव या सारणी किसी में भी ले सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हैं, या तो अवयव के रूप में लीजिए या तो सारणी के रूप में, दोनों सही है। अब इसका आयतन लिखेंगे, ए की वैल्यू है पहला 2 -1 1, 2 -1 1, यहाँ पे 1 2 -1, इसमें 3 है, लेमडा है और 5, ये हमने ले लिया। अब इसका आयतन इज इक्वल टू 0 के होगा क्योंकि हमें समतलीय करना है, तो समतलीय के लिए इज इक्वल टू 0 रख के हल करते हैं, तो चलिए अब इसका लेंगे तो 2 को कॉमन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 10 + λ, ये हमने गुणा कर दिया, 15 10 - λ से +λ हो गया। फिर इसको लेते हैं +1, फिर ये हो गया 5 = 5 और +3, 5 + 3, अब तीसरे को लेते हैं +1, इसको छोड़ देते हैं तो λ - 6, λ - 6 इज इक्वल टू 0 कर रखेंगे। अब इसको हल करते हैं तो 20 + 2 λ + 8 + λ - 6 इज इक्वल टू 0, ये हमने गुणा भाग करके निकाल लिया। अब देखिए ये 2λ और यहाँ पे ये लेमडा, 3λ इज प्लस 20 और ये घट जाएगा 20 और ये है 8, 28 में से 6 गया 22 इज इक्वल टू 0, तो लेमडा का मान निकालेंगे तो -22/3, ये हमारा लेमडा का मान मिल चुका है। तो इतना करके आप छोड़ सकते हैं। समतलीय के लिए कैसे होता है, समतलीय क्या है, इसके बारे में पूरी नॉलेज समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, अगले भाग को देख लीजिए, समतली से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपको समझ में आ जाएंगे, क्योंकि समतली वाले अक्सर पूछते हैं, इसलिए समतली को पढ़ने के लिए अगले भाग को देखिए, अगले भाग को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर आप जाकर क्लिक करके देख लीजिए।
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग देखें और आप भी अच्छे से पढ़ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।